हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। ये पार्ट 5 है इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सीरीज़ का। इसमें देखिए हम टॉप 15 एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन ऐसा रखेंगे, उसका व्याख्या ऐसा होगा कि आपके 20 अबाउट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। छोटे समय में, कम समय में हम इतना सब कवर करने वाले हैं। देखिए, ये मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और पार्ट 5 का शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है, बताइए। देवास, निमिच, होशंगाबाद, गुना, इसमें से राइट आंसर चूज कीजिए। राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है देवास में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र के नासिक में भी है, है ना, कोलकाता में भी है, और फिर एक लोकेशन आपको बताना है जहाँ पे क्या है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क की आप भी खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बताया कहा, महाराष्ट्र के नासिक में, कोलकाता के कोलकाता में, वहाँ पे एक है कोई लोकेशन वहाँ पर, और एक स्टेट और है जहाँ पर ये होता है। ठीक है, बड़ा फेमस लोकेशन है, हर किसी के ज़ुबान पर होता है। ठीक है, तो वो आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है, बताइए। ए, करेंसी नोट प्रेस नासिक, बी, करेंसी नोट प्रेस देवास, सी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, डी, उपर्युक्त सभी में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है सही, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेंसी नोट प्रेस देवास में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था। ये देखिए, क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने पहले वाला सेशन अटेम्प्ट किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है और रिविजन का विषय है। तो ए है सिंडिकेट बैंक, बी है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, सी केनरा बैंक, डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको 1921 में इसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक, तीन बैंकों को मर्जर करके, और उन तीन बैंकों के विषय मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो बताइए, नहीं तो जाके सर्च करके कमेंट सेक्शन में डालिए। देखिए, ये असाइनमेंट इसलिए, अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो आप भी कुछ कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा ग्रैप करेंगे, ज़्यादा कुछ सीखेंगे, है ना, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है, तो बताइए भारत में कौन सी प्रणाली यूज की जाती है। ए है अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, बी है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, सी है अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, डी है नियत प्रत्यय प्रणाली, बताइए। तो आपने MRS सुना होगा, MRS सिस्टम यूज होता है भारत में किस लिए, बताइए, नोट जारी करने को। ठीक है, भारत में MRS सिस्टम यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, तो भारत में यही यूज होता है, और ये जैसे अगर हम इस प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं तो मिनिमम रिजर्व कितना रखना होता है RBI को, 200 करोड़ का, ये भी बात हम बता चुके हैं अपने पिछले वाले सेशन में, जिसमें 85 करोड़ होता है फॉरेक्स और 115 करोड़ होता है गोल्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट वेट, 115, ओके, ये है गोल्ड और ये है फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन रिजर्व होता है ना, डॉलर ए इन यूरो। ठीक है, तो इस रूप में ये रिजर्व के रूप में RBI अपने पास रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या पूछ रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इन कुछ बैंक दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है कि भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, इन चारों बैंकों में से कौन है जो मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, IDBI, ICICI, UTI, RBI, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी, RBI जो है वो मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। ठीक है, और ये बाकी IDBI, ICCI, UTI हैं। मुद्रा व्यापार का अंग, भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग का क्या मतलब है, बताइए। जैसे
आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में क्या होता है, ऋण पत्र वगैरह खरीदना बेचना है ना, तो आरबीआई उसमें क्या करती है, ये सरकार के लिए मतलब खरीदती है और बेचती है, लेकिन ये डायरेक्टली अपना रोल नहीं निभाती, ठीक है, भारतीय कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में और उसके ट्रेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को सर्वाधिक शाखाएँ किस राज्य में है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएँ किस राज्य में है बताइए, ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल सॉरी पॉपुलेशन की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है तो यहीं पे होगा है ना, तो सबसे अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये आपसे पूछ रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई। देखिए वो 1921 में हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये आपसे पूछ रहा है बताइए, 1935, 1949, 1955 या 1962। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1955 में, ठीक है। ये क्वेश्चन अबाउट मतलब ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन है ये 2018 यूपीएससी के प्रीलिम्स में था, ठीक है, और ये डेट भी था, ईयर भी था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फैक्ट भी तो पता होनी चाहिए। चलिए जस्ट वेट, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 इंपीरियल बैंक, अच्छा ओके, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की शाखा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ओके ओके ओके, ये एडिटिंग एरर हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है 1955, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी सहयोगी बैंकों की कितनी संख्या है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है बताइए, 5, 7, 8, 9, तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि ये इसको भी हमने पहले वाले सेक्शन में करा रखा है, वहाँ पे गिनाए भी थे बैंक, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी सहयोगी बैंकों की संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है बताइए कौन सा है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बताइए कमर्शियल बैंक में या व्यावसायिक बैंक में सबसे बड़ा बैंक है भारत का कौन बताइए, जस्ट वेट ओके, तो बताइए भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। ओके तो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक है बैंक भारतीय स्टेट बैंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 के जगह पे ये मिसप्रिंट हुआ है आपका, आ गया है भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी सहयोगी बैंकों की शाखा, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है, कि 5 बैंकों से ये मतलब इसकी जुड़ी सहयोगी बैंकें 5 हैं, ठीक है, अगर ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बने तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कहाँ पर बताइए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ओके तो भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। अब इसके विषय में हमने क्या देखा था, 1900 कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, 1955, ठीक है, 1921 में बना था क्या इंपीरियल बैंक, 3 बैंकों का मर्जर करके जो आपके लिए असाइनमेंट है ना, इंपीरियल बैंक से बना SBI। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है बताइए, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है, ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय स्टेट बैंक। ओके तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, विथ यू ऑल द वे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है बताइए,
सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए, बैंक ऑफ इंडिया विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया इसका सही जवाब होगा। चमकता हुआ सितारा बैंक ऑफ इंडिया बैंक का क्या है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसका ये प्रतीक है चमकता हुआ सितारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब इसमें से बताइए कौन सा, पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक में है, ने नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये पड़ोसी देश अफगानिस्तान में है, ने नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक ने खोला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। कैन फिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुसंगी संस्था है? ए है केनरा बैंक, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है बैंक ऑफ इंडिया, डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर होगा केनरा बैंक। ठीक है, तो कैन फिना, ठीक है, अगर आपके सामने आए तो केनरा पे टिक मारिए। ठीक है, वो भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की एक अनुसंगी संस्था है, कैन फिना, जो है कैनबरा, सॉरी कैनरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं बताइए? यूएसए में, यूके में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो भारतीय बैंकों की सबसे अधिकतम शाखाएं यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और इसी तरह से ये सेशन होता है समाप्त, और आप लोगों को थैंक यू। देखिए 12 मिनट का सेशन है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, राधे राधे। चलिए यहीं पे कट करते हैं।